दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय शैमरॉक प्लेवे स्कूल अम्ब रोड ऊना। ऊना के इंदिरा स्टेडियम में चल रही सेना भर्ती को लेकर युवाओं में खासा जोश देखा गया। सेना भर्ती के दूसरे दिन प्रक्रिया के तहत 4,190 युवाओं ने पंजीकरण करवाया, वहीं ग्राउंड में 3,471 युवाओं ने रिपोर्ट की। हालांकि कई युवा ग्राउंड प्रक्रिया ही नहीं पूरी कर पाए, जिसके चलते उन्हें मायूस होकर यहां से जाना पड़ा। वहीं जिन युवाओं ने ग्राउंड प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन युवाओं के लिए मेडिकल प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सेना भर्ती कार्यालय निदेशक कर्नल सतीश कुमार ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया जारी है, दूसरे दिन दौड़ में भी बेहतर रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। सर, भर्ती का दूसरा दिन है, कितने कैंडिडेट आए? आज टोटल रजिस्ट्रेशन थे 4,190, आज टोटल रिपोर्ट किए दौड़ के लिए 3,471। कोई नए कैंडिडेट्स को कुछ मैसेज? कुछ आज तकरीबन फुटफॉल जो है रजिस्ट्रेशन के हिसाब से अच्छा है, और आज रिजल्ट्स भी दौड़ में रिजल्ट भी ठीक चल रहा है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंदर अरोड़ा के साथ अनिल पटियाल की रिपोर्ट। ऊना मुख्यालय पर अम्ब रोड पर स्थित शैमरॉक प्लेवे स्कूल बना अभिभावकों की पहली पसंद, बच्चों को करवा रहा बेहतरीन शिक्षा मुहैया। नए सेशन के लिए शैमरॉक स्कूल में दाखिला प्रक्रिया शुरू, पहले आओ पहले पाओ आधार पर मिल रहा प्रवेश। बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया करवाने के साथ करवाई जाती हैं अन्य पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज। स्कूल में शिक्षित प्रशिक्षित स्टाफ की है तैनाती। बच्चों को बेसिक स्किल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, फेस्टिवल एंड बर्थडे सेलिब्रेशन, कलरफुल यूनिफॉर्म, कलरफुल क्लासरूम के अलावा अन्य सुविधाएं।